हेलो गाइस, हमारे पास है आज बहुत सारी बैटरीज़ जो कि है ऐसे 9 वोल्ट्स की बैटरीज जो कि बहुत सारी है हमारे पास। सो आज गाइस हम वो ये बैटरीज़ पे हम आज ये रन करने वाले हैं। सैमसंग का मॉनिटर है जिसको आप देख सकते हैं, ये एसी और डीसी दोनों वर्क करता है 220 वोल्ट पे। ठीक है, 220 वोल्ट्स पे दोनों वर्क करता है। हालांकि इसको 25 वाट लगते हैं, एम्पीयर ज़्यादा लगेगा, पर तो भी चेक करते हैं हम होता है कि नहीं। और दो तीन चीज़ और चलाएंगे हम और चेक करते हैं कि होता है कि नहीं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बैटरीज हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे बैटरीज हैं। और जनरली अगर हम इसको अगर ऐसा अटैच करते हैं ये बैटरी से ये बैटरी, तो इसका 9 वोल्ट और इसका 9 वोल्ट ये दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, ये होता है 18 वोल्ट। ठीक है, और अगर हम 9 वोल्ट ऐड करते हैं ये, तो 18 + 9 इज इक्वल टू 27। ऐसा हमें कर करके 220 वोल्ट तक हमको गेन करना है। उसके बाद हम ये टेस्ट करते हैं कि ये चलता है कि नहीं, क्योंकि ये 220 वोल्ट एसी और डीसी दोनों करंट पे वर्क करता है। ठीक है, हालांकि ये 25 वॉट पे वर्क करता है, इसको एम्पीयर ज़्यादा लगेगा, तो भी चेक करते हैं कि वर्क करता है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 220 वोल्ट एसी और डीसी दोनों का एडाप्टर है। ठीक है गाइस, तो हमारे पास है आज बहुत सारी बैटरीज, ये 3 बॉक्स बैटरीज हमारे पास और हैं जो कि पूरे भरे हुए हैं। तो इसको हम निकालते हैं बाहर। इसको साइड में और बैटरी गाइस, ये 220 वोल्ट से भी ज़्यादा हो सकता है करंट, तो इसमें जितना होगा, तो हमारे पास मीटर है वोल्ट मीटर, उससे हम चेक कर सकते हैं कि करंट कितना निकल रहा है बाहर, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सो गाइस आपको दिखा दूं मैं एक बैटरी का करंट कितना होता है। ठीक है, 9 to 10 वोल्ट में फ्लक्चुएट होता है, दैट मीन्स 9 वोल्ट प्रॉपर इसका 9 है, पर 9-10 वोल्ट अभी बैटरी न्यू है इसलिए 10 वोल्ट दिख जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे हम अभी ऐड करते करते, सो गाइस हमने 33 बैटरी लगा दिए हैं। अभी इसमें 300 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसका एम्पीयर थोड़ा कम है इसलिए हमने वोल्ट ज़्यादा रखा है, तो मेंटेन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो हमने ऐसा ये पिन को हमने दो टाइप में कट कर दिया था मैंने, वो ये है, दो पिन कट कर दिया मैंने, इसको अटैच कर देता हूँ मैं दोनों टर्मिनल्स में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इस डीसी करंट है इतना शॉक नहीं देता, इसको हम अभी चेक करते हैं कि मॉनिटर चलता है या नहीं। देखिए गाइस, इसका एडाप्टर है, एक यहाँ पे लगाते हैं और एक यहाँ पे। ऑन हो रहा है पर प्रॉपरली नहीं हो रहा, पूरा जस्ट ब्लिंक कर रहा है डिस्प्ले, आप देख सकते होंगे। अब ये बल्ब टेस्ट करेंगे, एलईडी बल्ब। वेट वेट वेट, यस गाइस ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, एलईडी बल्ब वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें ये कम वोल्ट पे भी चल जाता है, इसका वोल्ट इसको ज़्यादा नहीं 5 वोल्ट पे चल जाता है ये। अभी चार्जर है हमारा जिसको, इसको भी कम लगता है, आपको फ़ोन करके दिखाता हूँ मैं। चार्जर भी चल रहा है। सो गाइस, इससे जो नॉर्मल वाट वाले रहते हैं वो चल जाते हैं, जो लो वोल्टेज पे चलते हैं वो चल जाते हैं, पर ये बैटरी से डीसी करंट से ये नहीं चलता है, क्योंकि इसको वाट ज़्यादा रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 वाट मेंशनड है, तो इसको एम्पीयर इसमें कम रहता है, इसमें 0.5 to 6 एम्पीयर रहता है, उससे ऊपर एम्पीयर नहीं रहता है। तो गाइस ये नहीं चल सकता, चल सकते हैं तो सिर्फ अपने ये एलईडी बल्ब्स और चार्जर जैसे कुछ थिंग्स ही चल सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ और क्रेजी आइडिया होंगे तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो
फॉर मोर वीडियोज़।